हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए नई नई वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, जरा हट के हिंदी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, गुरु नानक जयंती 2018, आज हम आपको बता रहे हैं कि गुरु नानक देव के 10 ऐसे अनमोल उपदेश जो हर व्यक्ति को पालन करना चाहिए। यदि व्यक्ति इसका पालन कर लेता है तो उसका जीवन धन्य और सफल हो जाता है। आइए जानते हैं, सिख धर्म के पहले गुरु और संस्थापक गुरु नानक देव का जन्म कार्तिक पूर्णिमा का दिन मनाया जाता है। इस दिन को प्रकाश पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरुद्वारों और अन्य स्थानों पर कई तरह के धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। सिख धर्म के अनुयायियों के अलावा अन्य धर्म के लोग भी इस दिन को बड़े धूमधाम से प्रकाश उत्सव और गुरु पर्व के रूप में मनाते हैं। गुरु नानक देव ने समाज को एकता में बांधने और जाति पाति को मिटाने के लिए कई उपदेश दिए थे। गुरु पर्व के अवसर पर आइए जानते हैं गुरु नानक देव जी के दिए गए 10 उपदेशों के बारे में। पहला है, गुरु नानक देव ने अपना पहला संदेश तब दिया जब वह मात्र 5 साल के थे। भगवान एक है, वह हर जगह उपस्थित होते हैं। गुरु नानक देव ने ही एक ओंकारा का नारा दिया और कहा था, सबका पिता वही है, इसलिए सभी से प्रेम करना चाहिए। दूसरा, हमेशा लोभ का त्याग करना चाहिए और मेहनत कर सही तरीकों से धन कमाना चाहिए। तीसरी चीज, जरूरतमंदों की सहायता करने में हमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। पैसों और अन्य तरीकों से दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। चौथा उपदेश, पैसे का स्थान हमेशा जेब में ही रहना चाहिए, इसे अपने हृदय से लगाकर नहीं रखना चाहिए, यानी पैसों से ज़्यादा प्यार नहीं करना चाहिए, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज़ होती है, यदि व्यक्ति का पैसों से ज़्यादा प्यार बढ़ जाता है तो अपनों से दूर होने लगते हैं। पांचवा संदेश, गुरु नानक देव पुरुष और स्त्री को हमेशा बराबर मानते हैं, उनके अनुसार कभी भी महिलाओं का अनादर नहीं करना चाहिए। छठा उपदेश, जब भी कोई काम करे तो तनाव के साथ कभी भी नहीं करने चाहिए, तनाव मुक्त रहकर अपने कर्म को निरंतर करते रहना चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए। सातवां उपदेश, संसार को जीतने से पहले खुद की बुराइयों और गलत आदतों पर विजय पाने की कोशिश करनी चाहिए। आठवां संदेश, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, इसलिए कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, हमेशा अच्छे और विनम्र होकर सेवा भाव से अपना जीवन गुजारना चाहिए। नौवां संदेश, लोगों को प्रेम, एकता, समानता और भाईचारा का संदेश देना चाहिए। दसवां उपदेश, जब मन पाप और लज्जा से अपवित्र हो जाता है तब ईश्वर नाम के प्रेम से वह स्वच्छ हो जाता है, इसलिए यदि आपसे कभी कोई पाप या आपको किसी बात पर लज्जा आ रही हो तो आप अपने ईश्वर का एक बार नाम प्रेम से लें, आपका मन दोबारा से शुद्ध हो जाएगा और कभी भी आपका मन दोबारा गलत कामों की ओर नहीं करेगा। तो दोस्तों, आज हमने आपको गुरु नानक जी के 10 अनमोल उपदेशों के बारे में बताया। हमें उम्मीद है कि आप सभी इन 10 अनमोल उपदेशों को अपनाएंगे। दोस्तों, यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मुफ्त है। धन्यवाद।